कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रधान मैंबर पार्लीमेंट संगरूर भगवंत मान जी वालों कल पंजाब के लोगों की रह जानण दे लई, पंजाब के लोगों नूं सीएम द कैंडीडेट आम आदमी पार्टी वालों कौन होगा उस संबंधी अपने सुझाव देण दे लई एक वट्सएप दे उत्ते एक नंबर पंजाब दे लोकां दे लई जारी किया गया सी, पंजाबियां दे लई जारी किया गया सीगा। उस नंबर दे उत्ते पंजाब दे लोक आम आदमी पार्टी वालों कौन मुख्यमंत्री दा चेहरा होगा उस संबंधी अपनी राय देण लई असीं सद्दा भेजिया सी पंजाब दे लोकां नूं। और सब तो वड्डा रिस्पोंस, सब तो ज़्यादा लोगों ने अपनी राय आम आदमी पार्टी दे उस कॉल नंबर दे उत्ते उस जिहड़ा दिता गया नंबर सीगा उहदे उत्ते वड्डी पद्धर ते भेजी आ। लगभग 8 लाख तो उपर, 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोगों ने पिछले 24 घंटिया जदों असीं अनाउंसमेंट कीती सी उस तो लैके हुण तक लगभग 24 घंटिया दे विच 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोगों ने अपनी राय अपने सुझाव कि कौन पंजाब का मुख्यमंत्री होगा उस संबंधी जिहड़े हैगे ने भेजे ने गे। लगभग 3 लाख तो उपर, 3 लाख तो उपर जिहड़े ने वट्सएप ते मैसेज आए ने उस नंबर दे उत्ते, और 3 लाख तो उपर वट्सएप ते मैसेज आए ने, और लगभग 4 लाख तो उपर, 4 लाख तो उपर कॉल्स यानी कि फोन कॉल्स आईयां ने गियां, और 1 लाख तो उपर जिहड़े ने गे वॉयस मैसेज आए ने गे, 50,000 तो ज़्यादा जिहड़े ने मैसेज आए ने टैक्स मैसेज आए ने, 50,000 तो ज़्यादा टैक्स मैसेज, 1 लाख तो ज़्यादा जिहड़े हैगे ने वॉयस नोट लोगों ने भेजे ने गे, इस तरह 4 लाख तो उपर जिहड़ियां कॉल्स दियां आईयां ने गियां, और 3 लाख तो उपर वट्सएप ते मैसेज आए ने। सो लगभग 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोगों ने अपनी राय अपनी जिहड़े सुजैशन कौन पंजाब दा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी वालों होना चाहिंदा गा, कौन सीएम दा चेहरा होना चाहिंदा गा, ये पिछले 24 घंटिया दे विच आम आदमी पार्टी वालों दिते नंबर ते भेजी गई आ। बहुत बड़ा बिग रिस्पोंस, बहुत भारी रिस्पोंस हिंदुस्तान की राजनीति में, भारत के इतिहास के जिहड़ा आम आदमी पार्टी वालों पहली बार लोगों की लहर रह लई गई आ उहदे विच सब तो वध रिस्पोंस जिहड़ा पंजाब के लोगों ने पंजाबियों ने दिता गा। इत्थों पता लग रहा गा कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी नूं प्यार करन वाले, पंजाब विच आम आदमी पार्टी नाल जुड़न वाले, पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार देखने वाले और आम आदमी पार्टी दी नीतियां नूं, अरविंद केजरीवाल जी दी नीतियां नूं, अरविंद केजरीवाल जी दे एजुकेशन दे हेल्थ दे मॉडल नूं प्यार करने लोगों की गिणती है जिहड़ी वो लगातार किन्नी वध रही आ। और 24 घंटिया च 8 लाख तो उपर लोगों का रिस्पोंस आना, 8 लाख लोगों की जिहड़ी राय आनी इस गल का सबूत है कि 2022 नूं 14 फरवरी नूं पंजाब दे लोग वड्डी गिणती दे विच भारी बहुमत दे नाल आम आदमी पार्टी नूं वोटां पाउणगे, और 10 मार्च नूं पंजाब विच सरकार जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी दी बणूगी। इस गल का सबूत जिहड़ा गा पहले 24 घंटिया च लग गया कि 8 लाख तो उपर लोगों ने सानूं वख-वख तरीकियां दे राहीं वट्सएप ते मैसेज दे राहीं वॉयस मैसेज दे राहीं टैक्स मैसेज दे राहीं ते और कॉल्स दे राहीं यानी कि फोन करके सानूं अपनी राय भेजी आ। सो असीं आने वाले 24 घंटे 17 तरीक तक पंजाब के लोगों को सद्दा दे रहेंगे कि उस नंबर पर लगातार अपना फोन करो, कॉल करो, वट्सएप से टैक्सट मैसेज भेजो ताकि असीं 17 तरीक तो बाद तुहाडी राय लैके उते विचार करके मुख्यमंत्री जी का ऐलान कर सकीए। देखो ये रिस्पोंस पार्टी को पहुंच रहा है, ये जो रिस्पोंस सारा 17 तरीक जो एनालिसिस होगा जो 17 तरीक न पार्टी का जेडे ऑफिस बीरर बैठ के उससे राय करेंगे उस तो बाद दसा जाऊगा कि सब तो वध रिस्पोंस किस जिहड़ा हैगा किस दे नाते आएगा जां सब तो वध सहमति जिहड़ी आ वो किस नाते बनी आ। इस 17 तरीक तो बाद जो दोबारा असीं तुहानूं बुलावांगे फिर जिहड़ा हैगा असीं तुहानूं दसांगे डिस्कलोज करांगे कि किस नाते पंजाब दे लोक अपनी मोहर लाउणी चाहुंदे नेगे। ओह तां फाइनल होएगा ना जी, पर हुण कोई रुझान आया होवे, कोई किसी कैंडीडेट दा नाम सामने आया होवे जिहदे रुझान सब तो ज्यादा होवे। देखो रुझान जिहड़ा हैगा वह पार्टी दे इक बंद जिहड़ा मैं समझदा डब्बे दे विच आ उत्थे लगातार रिस्पोंस आ रहा है, वह सारा तुहानूं सारा डिटेल दे विच
जो फुल दोबारा करांगे, दोबारा तुहानू बुलावांगे, तो पूरा दसांगे कि किस व्यक्ति दे नाते किन्ने परसेंट, किस व्यक्ति दे नाते किन्ने परसेंट, यह सारा दसांगे। और पूरा डिटेल दे विच साडे पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल तुहानू जिहड़ा है डिटेल दे विच समझाउणगे। सर अज तो चोणां दा काउंटडाउन शुरू हो गया ते अज तो एक महीने बाद पंजाब दी आवाम फेल निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए, दोनों ने पंजाबियों के हितों की प्रोटैक्शन नहीं की, पंजाबियों को जिहड़ा हैगा धोखा दिता, पंजाब के किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया, ना जिन्हां लोगों ने साडे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की ना वह फड़े गए, ना पंजाब विचों माफिया राज का खात्मा होया, ना पंजाब का एजुकेशन सिस्टम सुधरिया, ना पंजाब का हैल्थ सैक्टर सुधरिया, बल्कि पंजाब के वड्डी पद्धर से तबाही, वड्डी पद्धर से मैं समझना करप्शन भ्रिष्टाचार कांग्रसियों ने किया, पंजाब नूं बुरी तरह लुटिया। और दूजे पासे अकाली दल बीजेपी वाले वह नफरत के पात्र ने जिन्हां ने तीन काले कानून बनाए, तीन काले कानून बना के जिन्हां ने पंजाब के किसान ते देश के किसान नूं मारन दा यतन किया, देश के किसान ते पंजाब के किसान के मौत के ब्रंट लिखे, ये पंजाबियों नूं पता गा। तुसीं ये देख लेना कि जिहड़े बीजेपी के सबका अलायंस पार्टनर या नवें बने अलायंस पार्टनर इन्हां दोनों तिना पार्टियां की पंजाब विचों जमानत जब्त होगी, और पंजाब के लोग एक पूर्ण बहुमत के नाल, एक स्पष्ट बहुमत के नाल आम आदमी पार्टी सरकार जिहड़ी आ चुणनगे। देखो पंजाब अमृतसर सरहदी इलाका जो खास करके है आरडीएक्स बरामद हुआ की समझ पूरी की लग रहा है की एडी वड्डी मात्रा दे विच विस्फोटक पदार्थ लगना पंजाब दे विचों। देखो पंजाब दे इलेक्शन तो पहला खास करके जो भी इलेक्शन होती है पंजाब विच, पंजाब सरहदी सूबा गा, इस सरहदी सूबे के अमन चैन को इस स्थिति भाईचारे को तोड़न का यतन जिहड़ा वह किया जाता गा, चाहे वह लुधियाने के बंब ब्लास्ट की गल आ, चाहे हरिमंदर साहब च गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का यतन करन की गल आ, यह सारिया घटनावां लगातार इलैक्शन तो ठीक थोड़ा समा पहला वापरदियां ने, तां कि लोगों का ध्यान लोक मुद्दों तो हटाया जाए, लोगों को होर पासे तोरिया जाए। सो मैं समझदा पंजाब के लोग एकजुट ने, पंजाब च आपसी भाईचारा अमन चैन जिहड़ा बरकरार रहेगा, यह जिन्नियां भी ताकतां जिहड़ियां काम कर रही नेगियां जिन्ना मर्जी काम कर लेके करी जाण, पर लेकिन पंजाब के लोग जो एकजुट नेगे और इन्हां रवायती पार्टियों नूं मूंह तोड़ जवाब देणगे। देखो असी पूरे पैन पंजाब नूं, आल पंजाब नूं जिहड़ा हैगा नंबर जारी कीता गा, असी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे पंजाब तो कॉल जा रही ने, सारे पंजाब तो वट्सएप मैसेज आ रहे हैं, सारे पंजाब तो वॉयस मैसेज आ रहे हैं, टैक्स मैसेज आ रहे हैं, पूरे होर पंजाब तो आ रहे हैं। जदों असी इहदों लास्ट विच जदों एनालिसिस करांगे उदों बिल्कुल तुहानूं दस देंगे, पर लेकिन हाले पूरे पंजाब तो आ रहे, असी जिहड़ा हैगा डिवाइड नहीं कर रहे, असी अजे देख नहीं रहे किहड़े रीजन तो आ रहे हैं, जदों डिटेल च आऊगी फिर डिटेल च दस देंगे। देखो जो टिकटां दे लालची होंदे ने जिन्हां दा मैं समझदा पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं, जिहड़े पंजाब नूं बचाउण दे विच अपना हिस्सा नहीं पाउणा चाहुंदे, और जिहड़े वो लोग ने जिहड़े जिन्हां दे निजी सौड़े सियासी हित ने उन्हां अपने हितों की पूर्ति जो नहीं होंदी तो उस समय इस उस तरह उस समय वह जिहड़ा हैगा इस तरह के मन घड़त बेबुनियाद दोष लाउंदे ने कि आम आदमी पार्टी इन्हां नूं मूलों रद्द करदी है। बिल्कुल जिन्हां ने दोष लाए ने उन्हां दे खिलाफ आम आदमी पार्टी जिन्हां जिन्हां दे दोष लाए उन्हां वल्लों डेफामेशन के केस पाए गए ने कि तां कि इह जिहड़ा मतलब कूड़ प्रचार बंद किया जाए। जिहड़ियां पार्टियां हार रही नेगियां वह लोग उन्होंने हायर कर ले कि तुसी दोष लाओ, आम आदमी पार्टी पाक पवित्र पार्टी आ, साफ सुथरी पार्टी आ, इस तरह के किसी भी काम च विश्वास नहीं रखती। टिकटां तां कांग्रेस पार्टी बेचती होंदी आ, टिकटां तां अकाली दल बेचता होंदा गा, टिकटां तां भाजपा बेचती होंदी आ, साढ़े तां सारे आम घरां दे वलंटियर, तुसी मेरे नाल चलो तुसी जाके देखो कि किस तरह असी उन्हां लोगों नूं टिकटां दित्तियां ने जिन्हां दे घरां दे विच इक इक दो दो कमरे नेगे, वह की किवें खरीद लैणगे वह लोग। सो इह कूड़ प्रचार हो रहा, आम आदमी पार्टी नूं मूलों रद्द कर दी आ। ਜਦੋਂ
लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल चीमा ने ते आम आदमी पार्टी नूं की दिक्कत है हरपाल चीमा जी नूं अपना फेस बनाने दे विच उह कह रहे इह जिहड़ा सारी एक्सरसाइज चलाई जा रही है इह फाल्स है क्योंकि उहनां नूं हरपाल चीमा जदों ऑलरेडी लीडर ऑफ अपोजिशन ने उहनां नूं बनाना चाहिदा तां मतलब इह है कि उह दलित फेस जिहड़ा है उसदे विच उह कॉन्फिडेंस नहीं है उहनां नूं देखो अकाली दल तां इक परिवार दी पार्टी है अकाली दल तो एक परिवार का अकाली दल है ना वह लोगों का अकाली दल तो है नहीं वो कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं वह तो एक एक परिवार चला गा तीन मैं समझना ते एक सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर सिंह बादल ने गए बीबा हरसिमरत कौर बादल वो तो तिने कट्ठे बैठ के रै नहीं करते असं तो पूरे पंजाबियों की रै लै रहे हैं असं तो पूरे पंजाब नूं पुछ रहे हैं ये तजर्बा नहीं है ये आम आदमी पार्टी एक्सरसाइज कर रही है लोगों को इनवॉल्व कर रहे हैं असं एक अच्छी डेमोक्रेसी एक अच्छी जड़ा है लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंतर किवें हो नींह रख रहे हैं सो लोगों की लै जी सुजैशन लै रहा राय लै रहा सो उन्होंने ढिड पीड़ क्यों हो रहा है क्योंकि वह मुकाबले चो बहर ने गए चाहे अकाली दल आ बीजेपी या कांग्रेस आ मुकाबले चो बहर ने और साफ ने आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी अगे बढ़ रही है और सरकार बनाऊगी थैंक यू है जी कांग्रेस के टिकटों को लेकर काफी घमासान चल रहा हुआ दिल्ली भी कल कहते काफी हो गई है सोनिया गांधी के सामने इवन देखो कांग्रेस पार्टी जी सरकार नहीं चल रही है कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही उन्होंने सर्कस चल रही है और लगातार तीन बंदे इधर भज रहे तीन बंदे इधर भज रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट देने का उन्होंने कोई भी लीडर है नहीं कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल जिथे पूरे देश के खत्म हो चुकी है जिथे पूरे देश में खत्म हो रही है उत्थे पंजाब वेंटीलेटर से आ आखिरी सहां से आ और इलेक्शन कांग्रेस पार्टी साफ हो जाऊगी थैंक यू जी देखो कोई कंपीटीशन किसी प्रकार का कोई कंपीटीशन नहीं है असीं लोगों को सुजैशन मंगे ने असीं लोगों की राय मंगी आ जो राय लोगों की 100% राय आ जाऊगी 17 तरीक तक उस तो बाद जारी कर देंगे थैंक यू जी।